Hello everyone, this is Shakti Payal Gora, self-love coach and NLP coach. As you all know, I always speak about self-love, and today being a day of Valentine, we see everyone celebrating, wishing each and everyone around there happy Valentine's Day. But I just feel that whether we really understand the meaning of love or it is just that we love exchanging hugs, kisses, roses and all of that. So I thought of doing a video. I'm already late, it's night, but I thought that a message should be gone to everyone. Everyone should receive this message. The understanding when you are celebrating something or when you are participating or investing your energy in something, you must know what you're doing and what it is meaning, and you should have awareness. I believe there's no point living life in ignorance. Hum hamesha dekhte hain ki ab hum herd instinct mein bahut jaate hain. Duniya mein jo ho raha hai hum bhi uske piche jaate hain. Hame lagta hai ye zindagi hai. Agar koi kuch kar raha hai to hame bhi wo karna hai. Agar hum wo nahi karenge to hum chhoot jayenge. हमारी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी, शायद हमारा लेवल ऊंचा नहीं होगा. और इसी कंपटीशन में, इसी हर्ड इंस्टिंक्ट में हम लोगों को फॉलो करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं. तो जब हम प्यार की बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को प्यार करना. खुद को प्यार करना मतलब सेल्फिश होना नहीं, खुद की सेल्फीज निकालना या मेकअप करना या खुद ही का भला सोचना, उसको सेल्फ लव नहीं कहते. मैं हमेशा कहती हूँ लव का मतलब होता है अपनी एनर्जी अपनी ओर लेके जाना. क्योंकि ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझो पहले. आप कौन हो? आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो, आप सिर्फ ये मन नहीं हो, आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके अनकॉन्शियस पैटर्न हैं, बहुत कुछ है. आप एनर्जी हो, आप सोल हो. आप तो आपको अपने आप को पूरे तरह से समझना है, हर लेवल पर समझना है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या जी रहे हो ज़िंदगी में? यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन लाइफ. यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ देन. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को महसूस करो रोज़ कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ज़रूरी है आपको बदलने के लिए. तो इसके लिए मैं सेल्फ लव कहती हूँ. लव का मतलब होता है अपनी ऊर्जा अपनी ओर लेके जाना. क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी वहाँ चले जाती है. सो सबसे पहले खुद से प्यार करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. खुद को एक्सेप्ट करना है. आप जैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, आपके सर्कमस्टेंसेस जैसे भी है, सबसे पहले उसे स्वीकारना है. क्योंकि अगर बदलाव भी लाना है तो स्वीकारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले. क्योंकि जहाँ तक आप स्वीकारते नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रहती है. स्वीकारने का मतलब ये नहीं कि आप ये मान लेते कि ज़िंदगी हमेशा ऐसी रहेगी. ना, बिल्कुल भी नहीं. जो भी आपकी ज़िंदगी में गलत है, जो भी आपकी ज़िंदगी में वो नहीं है जो होना चाहिए, जो आप समझते हैं, जो भी अच्छे बदलाव होने चाहिए जो आपको लगते हैं, वो ज़रूरी ही होने चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. लेकिन पहले हमें ये एक फीलिंग के जो हमारे अंदर एक बिटरनेस अग्रेशन होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हमें काम नहीं आती. इसलिए हम एक्सेप्ट करने की बात करते हैं. एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि अपने अंदर पहले पीस लाइए. क्योंकि वो स्टेट ज़रूरी है. NLP भी कहता है कि आपकी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करना है. अध्यात्म भी यही कहता है कि जब तक आप अंदर से आनंद में नहीं हैं, या जब तक आपके अंदर आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, आपको ज़िंदगी में सकारात्मक जो बदलाव है वो नहीं आते हैं. तो ये ज़रूरी है हमारे. इससे सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार सच्चा होना चाहिए. सच्चा प्यार मतलब जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसको समझना है, आपको उसको स्वीकारना है. और उस इंसान को आपको कहीं पर उसकी भी काफ़ी सारी गलतियाँ होगी तो आपको उसको फॉरगिव भी करना है. तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है कॉन्स्टेंटली. सिर्फ रोज़ेस देना या फिर पब्लिकली किसी की तारीफ, जैसे हम देखते हैं कि एनिवर्सरीज होते हैं, बर्थडेज होते हैं हमारे लव्ड वंस के, बहुत बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं. ठीक है, ये अपनी अपनी एक सोच है, मैं उस पर ज़्यादा ये नहीं करूँगी. लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो भी आप करते हो वो रियल होना चाहिए, वो दिखावा नहीं होना चाहिए. अगर आप कोई चीज़ करते भी हो फेसबुक पे, इट इज़ ओके, बट सिर्फ वही नहीं होना चाहिए. बिकॉज
दैट इज़ नॉट लव एट ऑल. वो बहुत यू नो जो डिजिटल वर्ल्ड का एक हवा है वो एक है, वो प्यार नहीं है. तो प्यार बहुत गहरा है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार में बहुत कुछ है. सिर्फ आई लव यू कहने से ख़त्म नहीं होता. हमारी मूवी 3 घंटे की स्टोरी नहीं है, सॉरी हमारी लाइफ 3 घंटे की मूवी नहीं है, 3 घंटे की स्टोरी नहीं है कि हमने किसी को चाहा और हमने उसको हमें कोई पसंद आया, हमको अच्छा लगा, हमने आई लव यू बोल दिया, फिर हमारे दोनों के बीच में चाहत हुई, फिर फिल्म ख़त्म हो गई, फिर शादी हो गई. सो दैट इज़ नॉट अ लाइफ. अ लाइफ इज़ वेरी सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड. सो रिलेशनशिप्स आर यू नो वेरी जो बोलते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, वेरी डेलिकेट. सो कोई भी चीज़ रिलेशनशिप की जब हम बात करें, जब हम प्यार की बात करें, तो हमें इसे निभाना होता है, हमें पूरी तरह से उस इंसान से प्यार करना होता है. तो पहले इसलिए बोलती हूँ खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से कैसे प्यार करोगे? आपको क्या मालूम पड़ेगा प्यार करना कैसा है? तो प्यार वो जिसमें आपकी कन्वीनियंस हो, प्यार वो जिसमें आपकी नीड्स पूरी होती हो, प्यार वो जिसमें चीज़ें आपके कंफर्ट लेवल से हो, वो प्यार नहीं है. तो प्यार में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी एज अ पर्सन, आपको यू नो एज अ पर्सन हिला देगी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट 3 magical words आई लव यू, बट वेन यू से आई लव यू, योर स्टोरी बिगिन्स फ्रॉम देयर. सो द आइडिया ऑफ डूइंग दिस वीडियो वॉज ओनली दैट कि वेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, वेन एवर वट एवर यू आर डूइंग, बी इट ऑन सोशल मीडिया, बी इट पर्सनली, बी इट पब्लिकली, सोशली, एनी वेयर, इट हैज़ टू हैव सम मीनिंग. मतलब इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए. सिर्फ जताने के लिए, दिखावे के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो कोई मतलब नहीं है. एंड आपको पूरी लाइफ वर्क करना पड़ता है एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक इंसान को प्यार करने के लिए. आपको ज़िंदगी भर प्यार करना है, ज़िंदगी भर एक्सप्रेस करना है, साथ देना है, एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है. क्योंकि जब प्यार होता है तो दो इंसानों के बीच में जब प्यार हो रहा है तो दोनों की अपनी बिलीव्स है, अपने एक्सपीरियंसेस है, अपनी अपब्रिंगिंग है, अपने फेलियर्स है, अपनी सक्सेस है. तो दो अलग किस्म के लोग जब इकट्ठे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फ्रिक्शन होगी. तो 3 घंटे की मूवी जितना आसान नहीं होता है प्यार करना रियल लाइफ में. या सो एवरी टाइम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन अ रिलेशनशिप, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन अ वे दैट can help you to understand that person, can help both of you to grow together. That is the idea of any relationship. कि आप दोनों की growth हो, आप दोनों की positive transformation हो, और आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो हम प्यार बोलते हैं, जो हम love बोलते हैं, कि दिन ब दिन pure बने, unconditional बने और strong बने. So ये आपका intention होना चाहिए. एंड वैलेंटाइन डे आपके लिए रोज़ होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ यू सी वैलेंटाइन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट पीपल फील दैट इफ इट्स अ वैलेंटाइन डे यू नीड टू ड्रेस रेड, यू नीड टू गिव समवन. ओके, एक्सप्रेशन ऑफ लव इज गुड, एंड आई ऑलवेज से दैट इट्स नॉट वन डे एक्सप्रेशन दैट इज नीडेड, इट इज एवरी डे एक्सप्रेशन दैट gives the relationship that वो जो relationship के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो उसकी soul को एक हम जैसे कि हमें खाने का ज़रूरत होती है हमारी body को, वैसे एक relationship का food ये होता है कि आप उसको express करें. आप express करें verbally, non-verbally, पर आपका expression होना चाहिए किसी भी level का. ट्रस्ट होना चाहिए. तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को आपको रोज़ पकाना है. आपको आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं आज एक दिन खा लूँगा और फिर ज़िंदगी भर चलेगा. तो काफ़ी लोग बोलते हैं एक बार तो बोल दिया मैंने, एक बार तो मैंने कर दिया तो हो जाएगा, बस समझ जाने की बात है. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप इन्वेस्टिंग, यू हैव टू कीप वर्किंग टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ दैट रिलेशनशिप.
So these things are very important. So it's okay. You celebrate Valentine's Day, you celebrate other days, you celebrate whatever you want in your life. But it has to make sense. It has to be real. It has to be something that has meaning. It shouldn't be something that is just done because everyone is doing. So that's the idea. I hope you just take a closer look at yourself, at your relationship, and ask yourself, do you really love, or is it a relationship of your convenience, your needs, your perceptions, your beliefs, or it is in fact a relationship which is looking for, or which is seeking for growth, which is seeking for transformation, which is seeking for making it unconditional, making it stronger, making it pure day by day. Thank you so much. Love and blessings.